खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। फिलीपींस के बटनागास प्रांत में स्थित ज्वालामुखी में से लावा और बड़ी मात्रा में राख बह रही है। इसे लॉरेल प्रांत में बूसो बूसो कस्बा पूरी तरह से राख में ढक गया है। 12 जनवरी को ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हो गया था। इसके बाद भूकंप के झटके भी आए। 65 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस ज्वालामुखी से होने वाले नुकसान को देखते हुए बटनागास प्रांत के 14 गांव पूरी तरह खाली करा लिए गए हैं। करीब 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। प्रांत में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी गई है ताकि आपातकालीन फंड जल्द जारी किया जा सके। ताल ज्वालामुखी के पास स्थित झील और एक नदी सूख गई है। इन संकेतों को ज्वालामुखी की सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद सैनिकों और पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों को ज्वालामुखी द्वीप पर जाने और वहां से जानवर और अपना सामान लाने से रोक दिया। घटना के बाद से मनीला एयरपोर्ट से 600 उड़ानें रद्द हैं। ताल फिलीपींस के 24 सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल है। इसमें 1977 के बाद से विस्फोट नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।